आज रोहतास जिले के सदर अस्पताल के परिसर में जीविका के माध्यम से एक सामुदायिक किचन का उद्घाटन रोहतास डीएम धर्मेंद्र कुमार और एसपी आशीष भारती के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, जिसमें सदर अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों के परिजनों के लिए और मरीजों के लिए एक साधारण रेट पर खाना उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि लोगों को खाने के लिए दर दर भटकना ना पड़े। क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है कि लोग अगर जो सघन बीमारी होता है उसको इलाज कराने आते हैं तो उनको भर्ती करना पड़ता है, उस समय उनको खाना का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि खाना खाने के लिए उनको बाहर बाज़ारों में जाना पड़ता है। तो आज से जो नया शुरुआत किया गया है, इससे फ़ायदा यही होगा कि लोगों को, मरीजों को और मरीजों के परिजनों के लिए इस दीदी की रसोई जो कि जीविका के माध्यम से संचालित हो रहा है, उसके यहाँ आपको एक कम दर पर खाना मुहैया करा दिया जाएगा, जिसका उद्घाटन आज खुद डीएम और एसपी ने संयुक्त रूप से किया। मालिके नमानसनासुदिकासुदे भैया आप पीछे रहिए था सर, सुना आप थोड़ा पीछे रहिए पीछे भी था साहब, पीछे साजन जी समय और हम लोग देखते हैं इसकी सफलता को फिर और भी स्थानों पे ये शुरू किया जाएगा। सर अभी जो दिखाई दे रहा है स्थिति, देखा जाता है कि प्रारंभिक स्थिति तो ठीक रहती है, बाद में स्थिति बढ़ने लगती है, उसके लिए सर क्या किया जाएगा? थोड़ा कहना उचित है तो हम लोग लगातार ध्यान में तो रखेंगे इसको, और दीदी लोगों को जो भी सहयोग देना होगा हम लोग सपोर्ट करेंगे। सर एक अंतिम प्रश्न, सर सदर अस्पताल में व्यवस्थापक का पद प्रभार में चल रहा है सर, जबकि जो मैनेजर का जो पद होता है सर वो प्रभार में चल रहा है, जो कि ये यहाँ पर सबसे ज्यादा कार्य है, यहाँ पर प्रभार में बहुत दिनों से चल रहा है सर, सभी जिलों सब जीविका दीदी का आज से यहाँ पे सदर अस्पताल में रसोई शुरू हुआ है और लंबे इससे ये कार्य हो रहा था। बेसिकली उद्देश्य है कि सदर अस्पताल में जो भी रोगी आते हैं उनके साथ फैमिली जो रहते हैं तो उनको हॉट फूड मील यहाँ पे प्राप्त हो और रेट भी अच्छा रहे, तो सरकार के स्तर से ही सारा ये स्टार्ट हुआ है काम, लेकिन इसको जो है रनिंग करने का काम जीविका दीदी के माध्यम से होगा और हम लोग लगातार ध्यान बनाए रखेंगे, यदि बाद में भी कुछ सपोर्ट की आवश्यकता होगी तो हम लोग सपोर्ट देंगे।